धरती का स्वर्ग हमारा जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को पार करके पूरे विश्व को आकर्षित करने लगेगा। नागरिकों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, नागरिकों को जो उनके हक का मिलना चाहिए वो बेरोक टोक मिलने लगेगा। विश्व भर में पर्यटन स्थली के रूप में प्रसिद्ध जम्मू कश्मीर अब देश और विदेश के उद्योगपतियों को अपनी ओर निवेश के लिए भी आकर्षित कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तैयार की गई जम्मू कश्मीर उद्योग नीति 2021, जम्मू कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति, भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति, निजी औद्योगिक संपदा नीति और जम्मू कश्मीर FDI नीति ने औद्योगीकरण के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया है। प्रदेश में पिछले केवल 12 महीनों के भीतर 52,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जबकि पिछले 75 वर्ष में केवल 15,000 करोड़ रुपए का निवेश ही प्राप्त हुआ था। इसके अंतर्गत दुबई सरकार सहित अनेक अन्य देशों के निवेशकों संग समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब तक जम्मू कश्मीर में 36,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के लिए औद्योगिक भूमि उपलब्ध करवा दी गई है। नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नई केंद्रीय योजना के अंतर्गत अब तक के सबसे अधिक 28,400 करोड़ रुपए के वित्तीय खर्च और भारत में सबसे अधिक 400% रिटर्न तक का पैकेज है। 5,000 करोड़ निवेश के 6,000 बिस्तरों और 1,000 मेडिकल सीट्स वाले मेडिसिटी और MR, लूलू, DP वर्ल्ड आदि जैसे प्रसिद्ध समूहों द्वारा निवेश को अंतिम रूप दिया जा चुका है। ईज ऑफ लिविंग के अंतर्गत 200 से अधिक सिंगल विंडो ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं। 2600 अनुपालनों को कम करने की पहचान की गई है, जिनमें से 1500 से अधिक कम कर दिए गए हैं और बाकी 1100 को इसी वर्ष 15 अगस्त तक कम कर दिया जाएगा। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध जम्मू कश्मीर अब विश्व के मानचित्र पर एक आकर्षक निवेश केंद्र बनकर उभर रहा है। हमें विश्वास है कि इस वर्ष के अंत तक जम्मू कश्मीर में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य प्राप्त करने में हम सफल होंगे। आज इस शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रतीकात्मक रूप से चयनित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों को भूमि आवंटन पत्र सौंपेंगे। MR ग्रुप UAE मल्टीपर्पज टावर जम्मू में 125 करोड़ और कश्मीर में 250 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जाएंगे। लूलू ग्रुप UAE MR के साथ मिलकर श्रीनगर में 250 करोड़ रुपए की लागत से मॉल निर्माण किया जाएगा। टेक्सटाइल्स क्षेत्र में 822 करोड़ रुपए की लागत से व्यावसायिक इकाई के निर्माण हेतु सतलज के एक यूनिट चिनाब टेक्सटाइल मिल्स को स्थापित किया जाएगा। 250 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण के लिए अपोलो अस्पताल को स्थापित किया जाएगा।